मेरे भाई बहन, मेरे मित्र, मेरी प्यारी माताएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, व्यासपीठ पर बैठा हुआ व्यक्ति की उम्र नहीं होती। 5 साल के कपिल बैठते हैं और अपनी मां को नीचे बिठाकर ज्ञान देते हैं। 5 साल का कपिल गुरु है और उनकी मां उनकी शिष्या है। भारत केवल उम्र से वृद्धता को नहीं मानता, भारत ज्ञान वृद्धता को मानता है। ज्ञान कितना है? मदालसा जैसी मां हुई जिन्होंने अपने 3-3, 4-4 बच्चों को 5 साल की उम्र में ही, वो मां कैसी मां होगी जिसने आत्मज्ञानी बना दिया अपने बच्चों को। इसलिए भक्ति तो होगी मां 7 दिनों में यहां पर ये पक्की बात है। अब तक केवल भक्ति रहती थी, अब ज्ञान और वैराग्य के साथ इस भागवत को सुनने के बाद तुम्हारी भक्ति स्थिर हो जाएगी। भक्ति रखने के अच्छे सूटकेस भी चाहिए, भक्ति रखने के लिए एक तिजोरी चाहिए, नहीं तो भक्ति आएगी और चली जाएगी। जब कथा सुनते हैं तो भक्ति आ जाती है, और उधर जाकर के लड़ाई होता है तो भक्ति चली जाती है। जब श्मशान घाट जाते हैं तो सब कहते हैं क्या रखा है, एक दिन आए हैं एक दिन चले जाएंगे, कोई किसी का नहीं है, सबको एक दिन जाना है, और वहीं पे गुटखा निकाल करके मुंह में डालना है श्मशान घाट में, और वहीं पर फोन आ जाए तो लड़ाई कर लेना है। 35 रुपए में कैसे दे दें? 35 रुपए, 75 पैसा तो हमारा ही लगा हुआ है, हम क्या 75 पैसा घाटा कर ले? और अभी क्या कह रहे थे, क्या रखा है एक दिन चले जाना है, कुछ नहीं रखा है सबको जाना, क्या लाया था जो लेके जाएगा। अरे गीता के सार, 2 मिनट की भक्ति तुम्हारे भीतर आ गई है। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य, मरकट वैराग्य कहते हैं, श्मशान वैराग्य। ऐसे वैराग्य और भक्ति तो रोज मिलते हैं पर टिकता क्यों नहीं है? और जो चीज टिकती नहीं है वो तुम्हारे जीवन में कभी स्पष्ट टिकाऊ शांति भी नहीं ला सकती। कुछ देर के लिए हंसोगे फिर रोओगे, फिर हंसोगे फिर रोओगे, क्या ये चाहते हो? कभी एक ऐसे संबुद्ध सदगुरु से मिलो, कभी एक बार ऐसी संबुद्धता के साथ कथा को सुनो, कभी एक बार अपने हृदय दान करके गुरु के समक्ष बैठ करके कि हे गुरुदेव, भक्ति आती चली जाती, आती चली जाती, आती चली जाती, जैसा संग करती हूं ऐसा रंग चढ़ जाता है, अब तो आप ऐसा बना दो, कबीरदास की कारी कमरिया चढ़ो न दूजो रंग, अब तो ऐसा कंबल दे दो कि चाहे दुनिया में किसी का संग हो, किसी का तरंग हो, पर रंग मेरे ऊपर रहे तो केवल श्याम सुंदर का रहे, केवल राम का रंग चढ़ा रहे, दूसरा रंग मुझ पर नहीं चढ़ना। क्यों नहीं अपने गुरु से ये मांग लेते हो कि मुझे वो कंबल दे दो, भक्ति की वो काली कंबल दे दो, अब भक्ति की काली कंबल ले लो, चाहे कोई संग हो, किसी के साथ रहो। विभीषण था रावण के संग, कोई फर्क पड़ा उसको? उसकी भक्ति बनी रही, पर तुम मत बन जाना, अभी तुम्हारे भीतर में इतनी ताकत नहीं है। नहीं तो कैकेयी जैसी मां जो राम को अपने वक्ष स्थलों से दूध पिलाती थी, 1.5 मिनट तक केवल मंथरा ने बरगलाया, 1.5 मिनट में उस कैकेयी की बुद्धि को खराब कर दिया। बताओ वो कैकेयी, राम अपनी मां के पास सोने नहीं जाते थे कौशल्या के पास, राम बड़े हुए तो कैकेयी का दूध पीकर बड़े हुए थे। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा, रामायण पढ़ो, भगवान राम ने माता कौशल्या का दूध कभी नहीं पिया, भगवान राम ने सदा कैकेयी का दूध पिया। जो कैकेयी भरत से भी ज्यादा राम को अपने हृदय का टुकड़ा मानती थी, पर एक मंथरा जीवन में मिली और ऐसा बना दिया उस कैकेयी को कि राम का वनवास, पति का स्वर्गवास, और बेटा मां कहने से इनकार कर दिया। 1.5 मिनट की संगति इतनी बुरी। मेरे प्यारे भाई बहन, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, तुम कहते हो कि आपको क्या होता है, मेरा किसी से फ्रेंडशिप है तो इसमें मैं क्या बिगड़ गई क्या, या मैं बिगड़ गया क्या, मैं 10 मिनट तो उसके साथ गया था, मैं तो केवल मेरा फ्रेंड है, केवल चैटिंग फ्रेंड है, अरे भैया उतने में सत्यानाश कर देगा। जब राम को दूध पिलाने वाली माता जब नहीं बचती मंथरा से, तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम कैसे बचोगे? इसलिए संग ठीक रखो, पैसे मिले ना मिले, रुपए आए ना आए, संग ठीक हो जनाब। संग अच्छा होगा तो जीवन में प्रसन्नता होगी। मेरी मां अपने बच्चों को संग सिखाना, बस कि बेटे मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, अच्छी संगति में तुम रहो, बस अच्छे लोगों के साथ रहो। संग बिगड़ गया तो सारा रंग बिगड़ जाएगा जिंदगी का, बेरंग हो जाएगी तुम्हारी जिंदगी।
इंद्रधनुषी जो जिंदगी परमात्मा ने तुम्हें दिया है, महाराज की जिंदगी जो तुम्हें इस कृष्ण ने दिया है, जीवात्मा और परमात्मा का मिलन, जीवात्मा और शिवात्मा के मिलन को रास कहते हैं, महाराज कहते हैं। लड़के और लड़की के मिलन को रास नहीं कहते, लड़के और लड़की के नृत्य को रास नहीं कहते। ये अज्ञानी लोगों ने पता नहीं तुम्हें कहां से बता दिया किसको रास कहते हैं। रास कोई डांस का फॉर्म नहीं है, जीव और शिव मिलते हैं, आत्मा और परमात्मा मिलती है। जब तुम्हें नित्य ज्ञान होता है, जीव को पहचान होता है ब्रह्म की, तो उसे महारास कहते हैं, रास कहते हैं। रसौ वैशः कृष्ण है, उस रस से तुम्हारा मिलना वही महारास है।